सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से काफ़ी शानदार क्वालिटी की एक जोटी लेके हाजिर हुए हैं, क्योंकि रूटीन से एक प्रयास है कि एक अच्छी क्वालिटी का पशु है वो पशुपालक को दिखाएं और एक खरीदने और एक बेचने वाले पशुपालक को आपस में कहीं ना कहीं वीडियोज के माध्यम से जो मिलाने का हम एक मुहिम चला रहे हैं, उसमें हम रेगुलर अपने चैनल पर वीडियोज लेके आते रहते हैं। और आज मैं कहूंगा एक अच्छे पशुपालक, एक अनुभवी पशुपालक के यहाँ पे हैं। शायद चैनल से ही नहीं, कोई भी मुर्रा पे काम करने वाला है हरियाणा के अंदर, वो कोई ऐसा पशुपालक हो जो बाई को नहीं जानता हो, क्योंकि मोस्टली वीडियोस हैं इनकी रेगुलर आती रहती हैं, लगभग सभी चैनलों पे इनकी कवरेज आ चुकी है। तो आज फिर से एक काफी शानदार पशुधन लेके हाजिर हैं। वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले जो भी बाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और रेगुलर वीडियोज के लिए साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। काफ़ी कम पशु ऐसे इस साइज के कैमरे के सामने आ पाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा साइज आज जो बुल रखने वाले पशुपालक हैं उनके बुलों में भी नहीं होता। तो आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं अजय भाई के यहाँ से, गाँव पलड़ा, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, हरियाणा से, साइबर सिटी में कहूंगा गुड़गांव में। यहाँ पे एक से एक शानदार अलीशान कोठियां, गाड़ियां, इनका शौक रखने वाले पशुपालक आपको काफी मिल जाएंगे। लेकिन एक ऐसा भी शौकीन रहता है जो सिर्फ मुर्रा का शौक रखता है और रूटीन से जितने भी पशु दिखाए हैं, पशु के साथ साथ में खुद भी पशुपालकों के एक आकर्षण का केंद्र रहे। तो आपको अजय भाई से मिलवाते हैं और इस पशुधन के बारे में डिटेल से जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई मंजीत, सबसे पहले तो आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो आज एक ही जोटी दिखा रहे हैं इस कवरेज में। हाँ जी भाई, एक ही जोटी आज अपने। क्या कुछ जानकारी है इसकी, डिटेल से बताएं जी। भाई ये पहले ब्याह की है। जी जी। और मुंह से चार दांत है। चार दांत बस, एक सेकंड। पहले ब्याह की, मुंह से चार दांत बता रहे हैं, कोई नहीं, आराम से वहां बांध के दिखा देंगे। अभी बच्चा देने में कितना टाइम बाकी है भाई? इसका 17 तारीख का टाइम है भाई मंजीत। 17 तारीख का। और भाई मंजीत, आपके आने से 5 मिनट पहले ही आके अपनी उतरी है, निलाई धुलाई कुछ नहीं है, जैसी आई है वैसी ही वीडियो डाल दी, अभी तो इसने दवा भी नहीं खाया है। जी जी। तो जहाँ से आपने खरीदी है, इसकी मदर वगैरह या खुद ये सीमन वगैरह की कौन सी कुछ जानकारी है आपको? भाई मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, झूठ बोलने के लिए तो झूठ भी बोल सकता हूँ, ये फलाने की है ढिकाने की है। जी जी। मेरी समझ में जानवर आया, मैंने जानवर ले लिया भाई। चार दांत कचड़ी किस भाई के पास खड़ी है ये बताओ मेरे को, इतना हाइट, इतना वजन, थन, सींग, क्वालिटी देखो कचड़ी की, आगे तो मेरा कर्म लड़ेगा अभी समय। जी जी। मात्र चार दांत जोटी, इस साइज की जोटी। शायद आप पशुपालक अच्छी अच्छी वीडियोस भी लेके आते हैं, चाहे अच्छी जो ब्रीड पे काम करने वाले बड़े ब्रीडर हैं, इस साइज की जोटियां आपको काफी कम फील्ड में देखने को मिलेंगी। फील्ड में देखने को क्या, शायद मिलेगी नहीं इतने बड़े साइज की, क्योंकि पहले ब्यांत में किसी जो बड़े बड़े नामी बुल हुए हैं उनके जितना साइज इस जोटी का है, बिल्कुल छोटे सींग की, हम कहे एक मुर्रा के रूप में एक छोटी हथनी इसको कहेंगे, इतना बड़ा साइज है इस जोटी का। और बिल्कुल सुस्पष्ट बातें देखने को मिलती हैं, स्पष्ट तरीके से बताया है कि जहां से खरीदी है जोटी है वो भाई को पसंद आई और इन्होंने खरीद ली। भाई डिटेल भी बता दूंगा बूझ कर, लेकिन जोटी को देखने के बाद डिटेल याद ही ना रही बूझने की। बिल्कुल बिल्कुल, जोटी ने खुद ही डिटेल दिखा दी अपनी। जी जी। तो जो एक ब्रीड उमदा ब्रीड होती है वो मुर्रा की आप कैमरे के सामने देख पा रहे हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव की, जस्ट अभी इनके फार्म पे आई है, ये देख सकते हैं, किसी तरह का गाड़ी में आने के कारण अग्रेसिवपन नहीं। पशु मुर्रा आज सबसे मेन चीज अच्छे दूध के साथ साथ स्वभाव के लिए भी जानी जाती है। बिल्कुल कन्नीदार सींग और बांध लो, एक बार इसके दांत दिखाएंगे। जो आज पशुपालक घूम रहे हैं अच्छे पशुओं की तलाश में, पीडीएफ पे काफी नजदीक है, तो उसके लिए एक अच्छी तलाश पशुओं पशु की है, पशुपालकों की। हम वीडियोज के जरिए आपको एक से एक शानदार पशु दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चार दांत जोटी, बिल्कुल छोटा सींग, फुल हाइट, फुल लेंथ, और जो थनों की क्वालिटी है वो भी दिखाएंगे। हम एक बार दिखाना चाहते हैं कि मात्र चार दांत, ये देख सकते हैं चार ही दांत जोटी मुंह से है, और जो रोक लो एक बारी, ऑर्डर में क्वालिटी आपको एक बार जरूर दिखाना चाहेंगे। जो इसकी नीचे से घुमा लो उस साइड थोड़ी सी, ये देखिए टाइट ऑर्डर की बनेगी। और मैं कहूंगा अभी इन्होंने गाड़ी से उतारी है, तो एक बार गाड़ी में आने के कारण थोड़ी बाई जरूर दिखा रही है, इन्होंने पहले भी कहा था।
की थोड़ी बाई आई हुई है। ये देखिए साइड से स्पेस थनों में काफी ज्यादा। तो अजय भाई, बच्चा देने के बाद सेल करोगे या पहले? भाई अगर सेल होगी बिना बच्चा दिए तो बिना बच्चा दिए सेल कर देंगे, नहीं बच्चा देने के बाद सेल कर देंगे। जी जी, तो रेट अभी रेट मौके का ही करेंगे, मौके का ही। कुछ भाई कमेंट में लिखते हैं मौके का रेट करने का मतलब क्या है, उसके बारे में आप बताएं एक बार। भाई हर आदमी का पशु की वैल्यू नहीं है। जी जी, रेट सुनकर हर आदमी फोन करता है। जी, इस भैंस तो आपको 50,000 की मिल जाएगी। जी जी, और भैंस आपको कोई 5,00,000 की भी नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो सीरियस वायर है उसको पशु की नॉलेज है उसी को रेट किया जाएगा इसका। ये चीज मैं काफी वीडियो में बता चुका हूँ कि भैंस 60,000 वाली भी और भैंस वो भी थी जो 51,00,000 की बिकी थी। हाँ जी, दोनों भैंस ही थी। और आज इसका रेट कुछ है, ब्याने के बाद कुछ है, दूध पे आ जाएगी जब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, तीन तरह का रेट है अभी फिलहाल इसका। तो जी जी, आज मैं कुछ कर दूं ये ब्याने के बाद कोई भाई पूछेगा रेट क्या है, फिर रेट वो रेट क्या पता उससे भी कम की हो जाए, क्या पता उससे ज्यादा की भी हो जाए। जैसे मौके के साथ साथ रेट होता है, जिस तरह दूध पे अच्छी चल गई तो अजय भाई की बात में यहाँ पे दम है कि रेट बढ़ सकता है, लेकिन अगर दूध पे नहीं चली तो क्या पता आज रेट करें उससे कम में भी देनी पड़ जाए। तो ना ले जेर ना गेरे भाई, बहुत दिक्कत है। जी जी, तो फर्स्ट टाइम में इससे पहले इतने वेट के आपके घर कोई जोटी मेरे पास तो नहीं आई। पशु तो बहुत अच्छे खरीदने की कोशिश करता हूँ भाई। जी जी, लेकिन इतने हाइट इतने वजन की इतनी ब्यूटीफुल जोटी भाई पहली है मेरे पास। मेरे हिसाब से वीडियो में भी मेरी अच्छी अच्छी मैंने जो नामी गिरामी जोटियां है कवर की है, लेकिन शायद साइज जितना नहीं आया होगा। हाँ जी भाई, तो पहली बार काविंग करेगी, आपका एक बार संपर्क नंबर जरूर बताएं जी। भाई मेरा संपर्क नंबर है 99। जी जी, 5346 02 02 02 02। भाई एक सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सीरियस वायर ही फोन करें जिसे पशु की कदर हो। जी जी जी, ना कि 60,000 लेने वाला और इस पशु के लिए फोन करें मेरे पास, जिसका परख है वो ही फोन करें। काफी ज्यादा फोन हो जाते हैं इसलिए बोल रहे हैं, काफी भाई इस चीज को घमंड के नजरिए से भी देखते हैं कि अजय भाई को घमंड है। एक दो कमेंट भी आए थे तो उनको मैं बताना चाहूंगा, एक दिन में 500 फोन अटेंड करना, 1,000 फोन अटेंड करना, कमेंट्स की रही ये बात। हाँ, गवर्नमेंट किसी चीज का नहीं है। अगर मैं टाटा बिरला होता तो ये पशुओं का काम नहीं करता, अपनी कोठी में लेटता। जी जी, मेरे पास झोपड़ा है। जी जी, फोन इसलिए नहीं उठा पाते, सारे दिन फील्ड में रहते बाइक के ऊपर, 3 बार बाइक गिर चुकी है मेरी फोन उठाने के चक्कर में भाई। जी जी जी, तो जिस भाई को इस पशु की परख है, कौन सी चीज है, किस भाव की है, वही फोन करे। रेगुलर इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, साथ में प्रयास हम अच्छा ही पशु दिखाने का करते हैं। काफी अच्छी जोटी दिखाई अजय भाई ने, मैं कहूंगा अच्छे अच्छे पशु सिलेक्ट करके लेके आ रहे हैं और पशुपालकों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, ताकि जो अच्छे पशु का शौक रखने वाला जो पशुपालक है उस तक हमारी वीडियो पहुंचे। और रूटीन से वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।